चैनल देखिए फ्रेंड्स, आज हम टू कलर से बहुत ही प्यारा सा बिल्कुल नया डिज़ाइन बनाएंगे। और इसके लिए फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे पास चुन्नी है, इसकी मैंने इतनी चौड़ी चौड़ी मैंने इसकी इतनी चौड़ी चौड़ी मैंने इसकी पट्टियाँ बनाई हैं। ये देखिए, ये मुड़ी हुई हैं, तो एक एक इंच की आप पट्टी इसकी कोई भी कपड़े की पट्टी से आप बना लीजिए। और उसके लिए मैंने 8 नंबर की नीडल्स का मैंने इसमें यूज किया है। आप इसे वूल से भी बना सकते हो, मैक्रम से भी बना सकते हो, मैं चुन्नियों से बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेंगे। और अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। तो चलते हैं, फंदे डालना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले फ्रेंड्स हम उस कलर के फंदे डालेंगे जो आपने नीचे फ्लावर बनाना है। तो देखिए, एक मैं स्लिप नोट लगा लूँगी यहाँ पे। आपको जैसे डालने आते हैं आप वैसे भी डाल सकते हो, ये बिगनर्स के लिए बता रही हूँ मैं। एक हमारा नोट से हो गया, ये देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ये 10। 10 फंदे मैंने ब्लू कलर से डाल दिए। अब ऊपर मैं यहाँ पे 6 फंदे दूसरे कलर से डालूँगी। आपके पास कोई भी हो तो मैं इसमें ऊपर दूसरा कलर लगा लेती हूँ। ये देखिए, हम बिना नोट के भी फंदा इसमें डाल सकते हैं। ऐसे आप पकड़ लीजिए इसको, ये देखिए, दो हो गए हमारे, तीन, चार, पाँच और ये 6। 40 फंदे हम इसमें डाल लेंगे। 10 फंदे ये डाल लिए मैंने, 6 फंदे ये डाल लिए। ऊपर फिर से मैं जो मैंने नीचे डाले थे उसी कलर से मैं 6 फंदे ऊपर इस कलर से डालूंगी। दो, तीन, चार, पाँच और ये 6। ये अब ऊपर देखिए, 10 फंदे में फिर से ये वाइट कलर से डालूंगी। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ये 10। फंदे ज़्यादा हैं इसलिए फ्रेंड्स मैंने छोटी छोटी ये पट्टियाँ रखी हैं। एक फंदा मैं यहाँ पे हम ऐसे ही स्लिप नोट लगा के मैं एक फंदा बना लूँगी। ये देखिए, और आगे मैं 7 फंदे फिर से ऑफ वाइट कलर से डाल लूँगी। ये देखिए, दो, तीन, चार, थोड़ा सा बड़ा ले लूँगी मैं ये, देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 7 फंदे ही हम ये डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे हमने यहाँ पे 10 फंदे डाले, फिर 6 फंदे ये डाले, फिर 6 फंदे हमने ये डाले, फिर यहाँ पे आगे ऊपर हमने 10 फंदे फिर से डाले, 1 2 3 4 5 10 फंदे ये डाले, एक फंदा ये डालना और 7 फंदे ये डाले। ये टोटल हमारे पास 40 फंदे हो गए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अलग अलग पट्टियाँ लगा रखी हैं ताकि हमारा यहाँ से यहाँ तक ऐसे लंबे पीछे धागे पीछे लंबे ना लटकें। अब देखिए, फर्स्ट रो है, थोड़े से टाइट फंदे हैं,
तो देखिए दो तीन चार पाँच छ और सात, ये फंदे हम ऐसे ही बनाएंगे। ध्यान से देखिए, इस एक फंदे को हम बना लेंगे, इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे और आप इसको ऐसे बना दीजिए। एक फंदा हमने बना दिया, अब इसको ऐसे कर लेंगे और आगे हमारा ये फंदा है तो हम ये वाली पट्टी भी हम ले सकते हैं जो हमारी यहाँ पे है। ये देखिए, दो, ध्यान से देखिए, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये नौ। नौ फंदे हम इसके बनाएंगे। एक फंदा हम ब्लू में इसका कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान से देखिए, इसको ऐसे कर लेंगे, क्रॉस करा लेंगे और इसको हम एक फंदा हम ऐसे टाइट कर दीजिए इसको। ये देखिए, एक हमने वाइट का ब्लू में कन्वर्ट कर लिया। फर्स्ट रो फ्रेंड्स, ये बेसिक रो है, फंदे भी टाइट हैं इसलिए इसमें टाइम लगेगा। ऊपर ये बहुत ही जल्दी जल्दी बन के कम्प्लीट होगा। अब देखिए, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, एक फंदा हम इसमें ऐसे क्रॉस कर लेंगे, वाइट में कन्वर्ट कर देंगे। ऊपर की तरफ हमारा डिजाइन जाएगा। ये देखिए, ये एक फंदा में ऐसे ब्लू में कन्वर्ट कर दूंगी। और नीचे दो फंदे हम छोड़ देंगे। यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी राइट साइड बनेगी। राइट साइड से जो जैसा होगा हमने वैसे ही इसको बनाना है। ये देखिए, दो फंदे हमने पीछे छोड़ दिए और इस साइड हमें कोई भी फंदों में चेंज नहीं करना है। जो जिस कलर का होगा उसी कलर से हमने इसको बनाना है। ये पट्टी को हम पीछे कर देंगे, पीछे से दूसरी पट्टी ऐसे क्रॉस करके थोड़ा सा इसको आप खींच लीजिए ताकि लूज ना रहे। और हम इसको जो जिस कलर का होगा हम उसी कलर से बना देंगे। सॉरी, एक नीला बचा हुआ है मेरा। अब देखिए, इसको पीछे कर देंगे, पीछे से आगे ऐसे ले लेंगे। ये वाइट के हैं तो हम वाइट से बना देंगे। ये देखिए, इसको पीछे कर देंगे, पीछे से ये आगे ले आएंगे पट्टी। ये देखिए,
इस साइड से आपने उसी कलर से बनाना है। फिर इसको पीछे कर देंगे, पीछे से दूसरी पट्टी हम आगे ले लेंगे। पूरी रो आपने इसी तरीके से बनानी है। ये देखिए यहाँ तक आ गए हम बनाते हुए। ये एक फंदा था हमारा, इसको हम पीछे कर देंगे। ध्यान से देखिए और पीछे से ये हम आगे ले आएंगे। अब देखिए इस फंदे को हम एक बार हम इसको ऐसे बना देंगे, पट्टी को पीछे करेंगे, इसको हम एक बार और बना देंगे। यहाँ पे इस फंदे के हमने दो फंदे बना लिए। पट्टी हमारे पीछे ही है, दूसरी पट्टी को हम क्रॉस करके आगे लेके आएंगे और ये आगे के फंदे हम उल्टे बना देंगे। यहाँ पे हमारी डबल झालर बनेगी जो कि बहुत ही सुंदर इसकी लुक आएगी। ये चुन्नी है फ्रेंड्स, कई बार चुन्नी अटक जाए तो आप ऐसे निकाल के दोबारा नीडल में डाल लीजिए। ये देखिए किनारे के फंदे को हम सीधा बना देंगे। इसको सीधा बनाने से हमारी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए अब पलट लेंगे, काफ़ी बड़ा बन के कम्प्लीट होगा फ्रेंड्स। फर्स्ट वाले को उतार लेंगे। अब देखिए ये फंदे हम इस साइड से ऐसे ही बनाएंगे, झालर का डिज़ाइन हमारा इस साइड से चेंज होगा और पीछे कली का हमारा इस साइड से चेंज होगा, उल्टी साइड से। ये जो जैसे हैं हम वैसे ही बना लेंगे। ये देखिए कर लिया हमने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अगली बार हम ये आठ फंदे बनाएंगे, ऐसे क्रॉस कर लेंगे। एक फंदा हम ब्लू में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारी ये लीफ ऊपर की तरफ, पत्ती हमारी ऊपर की तरफ जाएगी। ये देखिए दो तीन चार पाँच छः, ये हमारे छः छः फंदे ही चलेंगे। एक हमने ऊपर की तरफ से लिया है तो एक हम नीचे की तरफ से इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच और छः, ये एक फंदा। इसलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पट्टी अलग अलग लगाई थी ताकि हमारे बीच में पीछे से भी ये बहुत सफाई के साथ बने। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, दो फंदे हमने पहले छोड़े थे, दो हम इस बार छोड़ देंगे। ये फंदे हमारे घट जाएंगे फ्रेंड्स और ये बीच के फंदे ऊपर की तरफ यहाँ पे ये सारे ये वाइट वाले ख़त्म हो जाएंगे। पीछे हम इसी तरीके से दो दो फंदे छोड़ते हुए जाएंगे। राइट साइड से इसको मैं जो जैसा है यहाँ तक जो जिस कलर का है उसी कलर से मैं बना लूँगी। ये देखिए राइट साइड से मैं बनाती हुई ऊपर झालर तक आ गई हूँ। आप देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारे पास यहाँ पे दो फंदे हो गए। इसको पीछे कर देंगे, ध्यान से देखिए पीछे से आगे ले आएंगे और इसके देखिए इसी फर्स्ट वाले फंदे पे ही हम अपना फंदा बढ़ाएंगे। ध्यान से देखिए एक बना लिया, पट्टी को पीछे करेंगे, इसको एक बार और बना देंगे और जो हमारा फंदा बढ़ता जाएगा उसको हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। पीछे करेंगे,
पीछे से दूसरी पट्टी आगे लेके आएंगे और हम बाकी के फंदे इससे बना देंगे। देखिए हम जॉइंट कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स, वो भी इसमें आप एक बार देख लीजिए। ऐसे हम दूसरी पट्टी लेंगे, इसके अंदर ऐसे रखेंगे और ऐसे हम अपना इसमें जॉइंट लगा लेंगे। जब भी आप साड़ी और चुन्नी से बनाओगे तो आपको इसमें नोट लगाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हम इसमें अपना जॉइंट लगा लेते हैं। ये देखिए, और इसको फ्रेंड्स आप बाद में फिनिशिंग करो तो बाद में हम इसको काट देंगे। ये देखिए, ये इस साइड से इसी तरीके से फ्रेंड्स हमने बनाना। यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। और इस साइड से हमने इसको ऐसे ही बनाना है, एक बार और देखिए, फिर मैं इसको बना के कंप्लीट करके थोड़ा सा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इस साइड से झालर के फंदे जो जिस कलर का होगा हमने उसी कलर से बनाना है। ये याद रखिए फ्रेंड, झालर में हमारा चेंज इस साइड से होगा और पीछे जो कली हैं उनमें हमारा चेंज इस साइड से होगा। ये देखिए, अब हमारे ये फंदे बढ़ गए। यहाँ से हर बार हम फंदा सीधी साइड से इसमें बढ़ाएंगे। ये देखिए, अब हमारे पास ये 2, 3, 4, 5, 6, अब हम 7 फंदे बनाएंगे। एक फंदा हम इसमें फिर से कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम इसको बनाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको बना लेती हूँ। ये देखिए, एक हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, एक हम ये यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरीके से आपने इस कली को ऊपर की तरफ लेके जाना है। एक हम यहाँ से इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये देखिए, और फिर से हम नीचे 2 फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए, फिर से 2 फंदे छोड़ दिए और यहीं से हम वापस से मुड़ जाएंगे। राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही बनाऊंगी। एक बार फिर से यहाँ से आप झालर के यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी तो मैं इस रो को कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, इस साइड से मैंने बना लिया है। अब फिर से हम यहाँ पे आ गए हैं तो फिर से एक बार देख लीजिए, इसको हम पीछे करेंगे और पीछे से हम ये दूसरी पट्टी ब्लू कलर की, जो भी आपका कलर हो उसको हम ऐसे आगे लेके आएंगे और फर्स्ट फंदे पे ही हम यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे। जितना भी आपको बड़ा छोटा बनाना है आप इसी तरीके से आप यहाँ पे फंदे बढ़ाइए, पट्टी को अपनी तरफ करेंगे और ये हमारे बड़े हुए फंदे हैं, इनको हम उल्टा बना लेंगे, पीछे करेंगे, पीछे से फिर से वाइट पट्टी को आगे लेके आएंगे और ये आगे के फंदे हम इससे बना लेंगे। किनारे वाले को हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से थोड़ा सा इसको बना लेती हूँ। इस साइड से हम ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे एक फंदा हम हर बार बढ़ाएंगे, ये फंदे हमारे कम हो जाएंगे, ये कली हमारी ऊपर की तरफ आएगी। ये देखिए, ये कली हमारी ऊपर की तरफ आएगी। एक एक फंदा हम इनमें कन्वर्ट करते जाएंगे। एक फंदा हम यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे, एक हम यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे, एक हम यहाँ से, और पीछे हम 2 फंदे छोड़ देंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बीच में फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे झालर के 7 फंदे बढ़ गए हैं। एक हमने डाला था सबसे पहले, 7 फंदे और हमारे यहाँ पे बढ़ गए हैं। ये देखिए बीच में, और ये देखिए हमारा डिजाइन ऊपर की तरफ है। ये देखिए, इतना हमारा डिजाइन बन गया है। ये नीचे हमारे फंदे बचे हुए हैं, इनको भी हम छोड़ लेंगे। तो अब देखिए, जब 7 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ जाएंगे उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए, ये जो आगे के फंदे हैं 7 फंदे हम घटा देंगे। देखिए, 1, 2 का 1 किया, 1 घटा लिया हमने,
ये दूसरा फंदा घटा दिया, ध्यान से देखिए, ये तीसरा फंदा घटा दिया, ये हमने चौथा फंदा घटा दिया, ये पांचवा घटा दिया, ये छठा फंदा घटा दिया और हम एक और सातवा फंदा घटा देंगे। और ये आगे के भी हम, ये देखिए फ्रेंड्स मेरी पट्टी छोटी रह गई क्योंकि मेरे पास चुन्नी है, तो चुन्नी की फ्रेंड्स बहुत ही छोटी छोटी हमारी ये पट्टियाँ बनती हैं, लेकिन हम इस तरह से इसमें जॉइंट ऐसे लगा लेते हैं। अब ये देखिए दो हो गए हमारे पास, ध्यान से देखिए, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात, जो फंदे हमारे सात थे यहाँ पे नीचे वो हमने अपने साथ यहाँ पे बना लिए। एक फंदा ये हमारे पास है तो इसको हम ब्लू से बना देंगे। अब देखिए एक स्टेप हम और इसमें ऊपर की तरफ आएंगे, ये देखिए एक हमने कन्वर्ट कर लिया, ये हम इसी तरीके से करेंगे। ये देखिए एक एक फंदा हम ऊपर की तरफ बढ़ गए। अब ये डिजाइन हमारा एक बार का कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, सॉरी एक फंदा ही हमें कन्वर्ट करना है। ये देखिए ये दो फंदे भी मैं छोड़ दूंगी और मैं यहीं से वापस मुड़ जाऊंगी। ये देखिए राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही बना के यहाँ तक झालर तक हम यहाँ तक मैं आ जाती हूँ, फिर मैं आपको एक बार और दिखाऊंगी, फिर हम अपने डिजाइन में चेंज करेंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ ऊपर तक, ये देखिए यहाँ तक मैं सीधी साइड से ऊपर की तरफ आ गई हूँ, पट्टी को मैंने अपनी तरफ कर लिया है, ये एक फंदा बचा हुआ है। जैसे हमने नीचे से स्टार्टिंग करी थी फिर से फ्रेंड्स हम यहाँ पे अपनी स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए एक फंदे से मैं दो फंदे बना लूँगी, इसको मैंने दोबारा बना दिया। ये देखिए पट्टी मेरी पीछे ही है, पीछे से मैं ये पट्टी आगे लेके आऊँगी और ये फंदे अब हम उल्टे बना लेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारी ये डबल झालर बनती जाएगी। ये देखिए इसको हम सीधा बनाएंगे क्योंकि हमने अपने किनारे की, देखिए जब हम फंदे बंद करते हैं ऐसी फिनिशिंग आती है और देखिए यहाँ से भी ऐसी ही आएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। कली को अब तक हम देखिए ऊपर की तरफ लेके आए थे, ये देखिए फंदे इतने ज़्यादा हैं फ्रेंड्स, पूरे खुल भी नहीं रहे इसमें। ये देखिए नीचे ये हमारा फ्लावर बनेगा, ये ऊपर की तरफ हमारा डिजाइन आया था। अब हम क्या करेंगे, दो फंदे मेरे यहाँ पे बचे हुए हैं तो ध्यान से देखिए इस रो में चेंज आएगा, तो ये आगे के झालर के फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे। ये दो फंदे हम क्रॉस करके ब्लू कलर से बना लेंगे, ध्यान से देखिए। अब तब एक एक फंदा हम ऊपर की तरफ आए थे, आप देखिए दो फंदे थे हमारे पास, एक हम इसमें से कन्वर्ट कर लेंगे। अब तक हमारे ये फंदे कम हो रहे थे फ्रेंड्स, अब ये हमारे फंदे उतने ही हो जाएंगे, 10 फंदे जितने हमने डाले थे। अब हमारा डिजाइन नीचे की तरफ मुड़ेगा, तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच और एक हम नीचे से ले लेंगे छः, ये हमारे छः छः फंदे चले थे। अब देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक नीचे से ले लेंगे छः। अब देखिए ये हमारा एक फंदा बच गया जो हमारे दो बचे हुए थे और दो हमने आगे से इसमें ऐड करने हैं।
अब तक हम फंदे छोड़ते आए थे, लेकिन अब हम इसमें दो दो फंदे ऐड करेंगे और हम यहीं से मुड़ जाएंगे। राइट साइड से जो रो जैसी है मैं वैसी ही बना लूँगी। एक बार मैं फिर से यहाँ से आपको दिखा देती हूँ, मैं ऊपर यहाँ तक आ जाऊँगी इसको बनाती हुई, जो जिस कलर का है उसी कलर से मैं बना लूँगी। देखिए फिर से मैं झालर के पास आ गई हूँ। इसी फंदे पे हम फर्स्ट वाले फंदे पे ही फंदा बढ़ाएंगे। एक बार बना दिया, पट्टी को पीछे करेंगे, इसको हम एक बार और बना देंगे, आगे करेंगे पट्टी को, जो पिछली बार हमने बढ़ाया था उसको हम उल्टा बना लेंगे। यहाँ पे देखिए दो फंदे हमारे यहाँ पे फिर से बढ़ गए हैं और पीछे से हम ये पट्टी आगे लेके आएंगे ऑफ वाइट कलर की, और ये आगे के फंदे हम इससे बना देंगे। तो अब हम डिज़ाइन को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन अंदर की तरफ मुड़ गया है। एक एक फंदा फ्रेंड्स हम इसमें नीचे की तरफ से इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखिए अब की बार हमारे यहाँ पे चार फंदे हो जाएंगे। एक फंदा हम इसमें ले लेंगे, फिर इसमें ले लेंगे, फिर इसमें ले लेंगे और दो नीचे से ऐड कर लेंगे। तो मैं इसी तरीके से थोड़ा सा इसको बना लेती हूँ और सीधी साइड से हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। तो सेम तरीका है बिल्कुल बढ़ाने का, नीचे की तरफ हम उतरेंगे। तो मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन हमारा एक बार ऊपर की तरफ आया था, एक बार नीचे की तरफ गया है। और ये यहाँ पर जब यहाँ पर आपके आठ फंदे मेरे यहाँ पे बढ़ गए हैं, अगर एक हमने डाला था उसको अलग करके गिनोगे तो यहाँ पे सात फंदे और सात हमारे आगे हैं, और उसको भी काउंट करो तो आठ फंदे हमारे ये हो गए हैं। अब देखिए इस कली का लास्ट स्टेप है ये फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे फिर से हम अपने फंदे घटाएंगे। तो देखिए दो का एक किया, एक घटा दिया हमने, ध्यान से देखिए दो तीन चार पाँच छः और ये सात। ये देखिए सात फंदे हमारे यहाँ पे घट गए। ये देखिए सात फंदे हमने घटा लिए हैं। अब देखिए एक हमने हमारा है इसमें, ये दो, ये ब्लू वाले भी हम सारे वाइट से बना लेंगे, तीन चार पाँच छः और ये सात। सात फंदे हमने वापस अपने बना लिए हैं, जो हमारे ये यहाँ पे इस तरह से बनेंगे। एक फंदा फिर से हमारा ये बच गया है, तो इसको हम ब्लू कलर से बना लेंगे। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये एक हमारा लास्ट का फंदा था। ये देखिए इसको भी हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमारे हो गए दस। आगे हम इससे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच और ये चुन्नी है फ्रेंड्स, कई बार ये अटक जाती हैं। देखिए छह फंदे ये बना लिए, आगे के एक दो तीन चार पाँच और एक हम आगे से ले लेंगे छह। अब आगे के ये
हम ब्लू से बना लेंगे, और लास्ट के दो फंदे बचे हुए हैं वो इसमें ऐड कर लेंगे। डिज़ाइन फ्रेंड्स हमारा एक बार का बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। एक बार हम ऊपर की तरफ जाते हैं, एक बार फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ये देखिए, अगर आपको गैप लगे तो गैप भरने के लिए कोई भी ऐसे बीच में से फंदा उठाइए और दो का एक कर दीजिए। ये देखिए, सीधी साइड से दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए, ये हमारा नीचे फ्लावर ये बन गया है। ये देखिए इस तरह से इसकी लुक आएगी। तो मैं इस रो को उतार के फिर से आपको एक बार समझाऊंगी, इसी तरीके से आपने बनाना है। तो राइट साइड से मैं इसे कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, ऊपर फिर से हम झालर के पास आ गए हैं। तो देखिए, पट्टी को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा है हमारे पास, फिर से हम इसको दो बार बना देंगे। ये देखिए, हमारा फंदा यहाँ पे बढ़ गया है। वाइट पट्टी को हम आगे लेके आएंगे और ये हम उल्टे बना देंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपने इसमें फंदे बढ़ाने हैं, और फिर जब आपके फंदे, पूरे फंदे जितने भी आपने बढ़ाने हैं, जितनी बड़ी बनानी है उतने ही फंदे फिर आपने इसमें कम कर देने हैं। और ये बड़े हुए फंदे फिर हम दूसरा कलर लगा के यहाँ पे इनको उल्टा बना लेंगे। तो इस तरीके से आपके झालर साइड में बनती जाएगी। तो अब देखिए, फिर से हम दोबारा एक बार का फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, एक बार ऊपर की तरफ लेके आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसी तरीके से आपने इसको बनाते जाना है। ये झालर है, ये हम इस साइड से ऐसे ही बनाएंगे। अब ये हमारे दो फंदे हो गए, तो हम इनको ऐसे बना लेंगे। अब देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये नौ, नौ फंदे मैं बनाऊंगी। और ये आगे हम एक फंदा ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान से देखिए, एक फंदा हमने कन्वर्ट कर दिया, ऊपर की तरफ डिज़ाइन को लेके आएंगे, तीन, चार, पाँच और छः। यहाँ से भी, इस साइड से भी हम इसमें एक फंदा कन्वर्ट कर देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। और आगे से हम, मैं इसी पट्टी को ले रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप दूसरी पट्टी लगा लीजिए। ये देखिए, एक फंदा ऊपर की तरफ हम ले गए और दो फंदे हम लास्ट में नीचे हर बार की तरह छोड़ देंगे। फिर से हम दो दो फंदे नीचे छोड़ेंगे और एक एक फंदा ऊपर की तरफ जाएंगे। ये देखिए, पलट लेंगे और राइट साइड से जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे। देखिए, हमारा डिज़ाइन ऊपर की तरफ मुड़ गया है। अब ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर जब यहाँ पे दो फंदे बच जाएंगे तो नीचे की तरफ एक एक फंदा कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया है। झालर हमारी ऐसे ही चलती जाएगी, यहाँ पे फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। जब यहाँ पे हमारे आठ फंदे हो जाएंगे तो मैं सात फंदे हम यहाँ पे आगे घटा देंगे और बड़े हुए फंदे हम, जैसे मेरे में वाइट कलर है तो मैं उससे बना लूँगी, एक फंदा यहाँ पर मैं छोड़ दूँगी। अगली बार फिर से उसी एक फंदे के हम फंदे पे फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपने ये इसको बनाते जाना है। काफ़ी बड़ा बन के ये कंप्लीट होगा, तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक कैसी आई है। तो मैं इसे बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बना के कंप्लीट कर लिया है। अंदर देखिए, इसमें थ्री स्टार बने हुए हैं और बाहर इसकी ये डबल किनारी की झालर है, जो कि बहुत ही सुंदर इसकी
लुक आई है इससे। तो फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।